हेलो, नमस्कार जी। आज बना रही हूँ मैं कटहल। ये कटहल भी कई तरीके से बनता है। आज मैं एक तल के बनाने वाला बताऊंगी, तल के कैसे बनाया जाता है। मैं इसके छोटे छोटे पीस काट लूँगी, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। इसके छोटे छोटे पीस काट के इसको जो बीज है इसका छिलका उतारना है। यह है बीज, इनके छिलके उतार देने हैं क्योंकि खाने में दांतों में फंसते हैं और ये टाइट भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं प्लास्टिक की तरह। ये अलग निकालूंगी सारे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब हम तल के बनाते हैं कटहल को। इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। कटा कटा भी मिल जाता है मार्केट में, मैं तो कटा कटा ही लाई थी, नहीं तो काटना पड़ता है, काटने में ज़्यादा दिक्कत होती है, हाथों में चिपकता है इसका गोंद, बार बार चिपक जाता है, छोटा ऐसे नहीं छोटता। फिर मैंने इसके कर लिए हैं छोटे छोटे पीस। आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी होंगी, उनमें भी मैंने सब्जी कई तरीके की बना रखी है, क्योंकि मैं किसी को वो नहीं बनाती हूँ, अपने ही पास बनाती हूँ, जैसा मेरा मन करता है उस हिसाब से बनाती हूँ। मैं किसी को देख के नहीं बनाती कि मैं किसी की वीडियो देखूँ और मैं बनाऊँ, बिल्कुल होटल वाला स्वाद आता है सब्जी में। कोई भी सब्जी बनाती हूँ बहुत अच्छी बनती है, एक तो मन से भी बनाती हूँ, मन से बनाने की भी बात है। ये काट लिया मैंने कटहल, अब इसको मैं धो लेती हूँ, साफ करूँगी, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये रख दी मैंने कढ़ाई, अब इसमें कटहल तलूँगी। ये चढ़ा दिया है मैंने तेल, कटहल भूनना है इसके अंदर। इधर पकाऊंगी, इतना मसाला तैयार करूंगी। ये लिए दो प्याज ग्रेवी बनाने के लिए, काट लिए मैंने प्याज छोटे छोटे काट लिए, इसको भून के ग्रेवी बनाऊंगी। ये लिए मैंने दो टमाटर, इन्हें काटूंगी भी। ये मैंने छोटे छोटे करके काट लिए हैं, इसके अंदर ये कट गए हैं, मैं डालूंगी भूनूंगी इसके अंदर। ये अच्छे से गर्म हो चुका है, थोड़ा सा तेल डाल लिया है भूनने के लिए, और मैंने भूनने की चाहिए भून देती हूँ। उधर मेरा कढ़ाई में तेल गर्म हो गया, कढ़ाई ये मैंने कटहल धो के रख लिया था साफ करके, अब मैं भूनूंगी।
तैयार कर लीजिए। अच्छे से भूनना है, ब्राउन कलर का करना है। प्याज ब्राउन करने के बाद भूना लगाया, हल्का हल्का ब्राउन भूना लगाइए, थोड़ा हो जाएगा भूने में, अच्छे से भून देते हैं तो अच्छा बनता है, खाने में स्वाद आता है। प्याज तैयार हो गई, अब आलू में चिकन आता और धनिया लेने का था, अच्छे से बन जाएगा, पक भी जाएगा, इसे पकाने के लिए बहुत समय लगे। मसाला तैयार भुन गया है, ये प्याज वगैरह अच्छे से भुन गया, प्याज टमाटर प्याज बंद कर देती हूँ, इसे ठंडा होने की तरफ देती हूँ, ये लिए मैंने मसाले मैं मसाले डालूंगी तो दिखाऊंगी क्या क्या डालना है। मुझे ये डालूंगी नमक, स्वाद अनुसार गिरना है, ऐसे नहीं गिरना है कि घर पे घर डाल दिए, क्योंकि मेरी सब्जी कम है इसलिए कम डाल दिया है, सब्जी के साथ डालना है। फिर डालूंगी धनिया, पिसाया धनिया है, धनिया तो ज़्यादा भी गिर जाएगा कोई बात नहीं है। फिर डालूंगी हल्दी,
ये डालूंगी लाल मिर्च, ये डालूंगी थोड़ी सी हींग इसी मसाले के अंदर। मैं रस बना डालती हूँ, ये डालूंगी थोड़ा गर्म मसाला, थोड़ा ही डालूंगी। कटहल बन गया है, कटहल बन गया है, हम इसको लगा रहे हैं। ये बन गया है, ज़्यादा लाल नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा पक जाएगा। इसको मैं निकाल लेती हूँ तेल से बाहर। मैंने गैस बंद कर दिया है, ये भून गया मसाला, जो भून के रखा था वो पीस लिया है मैंने अच्छे से मिक्सी में। ये मेरी कढ़ाई अब तैयार है, इसमें डालूंगी जीरा, जीरा भुनाया है, भुन गया, हल्का ब्राउन सा हो गया है, ज़्यादा काला नहीं करना, हल्का सा ही भुनना है। जीरा भुन गया, अब डालूंगी सूखे मसाले जो मैंने रखे थे, मैं हल्के से भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनने हैं, फूक जाएंगे। तो अपना कलर छोड़ दिया है, अब डालूंगी थोड़ा पानी, थोड़ा पानी डाल दिया है, अब डालूंगी इसमें मलाई, थोड़ी सी मलाई डालूंगी। मलाई को भून लीजिए, मलाई अच्छे से पक गई। अब डालूंगी जो जो मसाला पीस कर रखा है, ये डालूंगी पीस कर रखा है, ये तो सब भुना हुआ है, इसे पकाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल के साफ कर देते हैं, क्योंकि मसाला चिपक जाता है इसके अंदर।
थोड़ा सा पका दूंगी एक मिनट के करीब। अभी पकने लगा अच्छे से पकते एक मिनट की करीब पकाना था बस। अभी डालू कटहल जो मैंने पहले से पका कर रखा हुआ है, तल दिया था खूब अच्छे से लाल। अब इसको मैं 2 मिनट पकाऊंगी बंद करके धीमी आंच पे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं देखती हूँ सब्जी कैसी हो गई है। सब्जी पक चुकी है, मसाले में अच्छे से हो गई। देखती हूँ कटहल पका है कि नहीं पका। कटहल पक चुका है, पक गया है। ये कर देती हूँ गैस बंद। इसको मैंने अच्छे से परोस दिया है और ऊपर से हरा धनिया भी दिया है थोड़ा सा काट के, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में भी ना। और ये कटहल बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप कहीं के साथ भी खा सकते हो, पूरी के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। बनाओगे और खा के देखना, फिर बताना कि कैसा बना है। और लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और बताया करो कि कैसा लगी आपको वीडियो। बाय।